हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला शेयर मार्केट ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा शेयर जो कि आप 2022 में उठा सकते हो, इसमें अच्छा डिविडेंड कमा सकते हो। चलिए हम सीधा आते हैं उस शेयर के नाम पर जिसका नाम है निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। देखते हैं उसका प्राइस क्या है और वो क्या काम करता है, ये सब आपको जानकारी देता हूँ। ये निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट जो कि आप देख सकते हो इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं 391 पे, जो कि बहुत अच्छा ट्रेडिंग इस टाइम अपने पोजीशन होल्ड कर रखी है। इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, साल का हाई एंड लो की बात की जाए, तो ये साल के लो 270 रुपये है और साल का हाई जो कि 476 रुपये है। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दे रहा है माना जाए तो। और ये इसके जो वॉल्यूम में कारोबार हुआ है 513,686 में इसका कारोबार हुआ है। और इसके फंडामेंटल की बात की जाए तो ये फंडामेंटल इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप फंडामेंटल आप इसमें देख सकते हो, मार्केट कैपेसिटी जो कि इसकी 21,524 करोड़ रुपए हैं, और आरओई की बात करें तो 23.90% इसका आरओई बहुत ही अच्छा है, और पीए रेशियो भी इसका बहुत अच्छा है। EPS की बात की जाए तो ये 12.37 EPS इसका बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री पी है इसका, सब बुक वैल्यू भी इसकी लो ही है, पर अभी कोई नहीं, प्राइस इसका ऊपर है तो ये सब चलता रहता है। और इसके रेवेन्यू की बात की जाए, जिसकी रेवेन्यू की बात की जाए, रेवेन्यू इसका आप देख सकते हो सितंबर में 260 था और 268 दिसंबर में 302, मार्च में 302, जून में और सितंबर में 328 इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी आप इसका देख सकते हो, पिछले साल सितंबर में इसका 145 था और 212 दिसंबर 2020 में था, मार्च 21 में इसका 167 था और जून 21 में इसका 182 था और सितंबर 21 में इसका 240 और 214 रेवेन्यू प्रॉफिट था। तो इसकी नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ भी इसकी क्वार्टरली बढ़ी जा रही है, और ये बहुत ही अच्छा आगे में अपना ये साल का हाई भी तोड़ सकता है। तो आप इस साल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है और जोखिम भी नहीं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अबाउट इस कंपनी के बारे में जानते हैं, ये कंपनी मैनेजमेंट कंपनी है जो कि फाउंडेड हुई थी 1995 में, और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम इसमें शो नहीं हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके प्रमोटर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, 73.97 इसकी हिस्सेदार है प्रमोटर की, और पब्लिक इसमें बहुत ही नाम मात्र 11% हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो 6.60% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो 5.63% है। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 2.8% इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। तो इस कुल मिलाकर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। जो भी अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है 2-3 महीने में ये अपना 500+ का जो भी इसका हाई है ये तोड़ सकता है। तो इसमें मेरी जो राय है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इसमें एनालिसिस थोड़ा और करके इसमें कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो भी एनालिसिस की हुई है वो अभी तक सही गई है। और मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हो, समीरिया की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा है कि वो 2 पे टच करेगा तो वो आराम से करेगा। उसकी न्यूज़ की बात की जाए तो इसके इवेंट की बात की जाए तो इवेंट इसने डिविडेंड एक्स डिविडेंड जो कि अपना डिविडेंड 3.5 पैसे प्रति शेयर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। इसके डिविडेंड भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। बोनस एंड डिविडेंड की बात की जाए और इसका देखो 8 नवंबर इसने इस साल 3 बारी डिविडेंड दिया है। एक बारी 3 रुपये प्रति शेयर आप देख सकते हो, ये लाइव 3 रुपये प्रति शेयर दिया है, जो कि 5 फरवरी को दिया है, और जून में इसने 5 रुपये प्रति शेयर दिया है। आप इसे देख सकते हो, इसमें डिविडेंड बहुत ही अच्छा मिलता है। इसमें साल में इन्हें 3 बारी डिविडेंड भी दिया है, कुल मिलाकर इसने 10 रुपये का इस बारी डिविडेंड दे दिया है। और बोर्ड मीटिंग इसकी बहुत अच्छी होती है और इसकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, और कुल मिलाकर शेयर बहुत ही अच्छा है और फंडामेंटल भी इसका स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसमें आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इसके डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलता है और बहुत सेफ है, और ये अपने 2-3 महीने में साल का हाई भी तोड़ सकता है। तो मेरी जो राय है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से आप इस पर थोड़ा और सर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत मस्त है, तो प्लीज़
अगर वीडियो थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना यार, सब्सक्राइब करता करो, आगे आपकी भी इन्फॉर्मेशन होती है और मेरा भी मोटिवेट होता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। थैंक यू।